नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चुस्ती के साथ विशेष अभियान चलाकर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। धरपकड़ की शुरुआत करते ही पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भाषिमो जिला उपाध्यक्ष महेंद्र खत्री हिस्ट्री शीटर बदमाश राहुल मीना के पास से अवैध हथियार के रूप में 2 कट्टे, 1 पिस्तौल, 1 रिवॉल्वर, गुप्ती कारतूस जैसे खतरनाक अवैध हथियार बरामद हुए हैं। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान, एसडीओपी दीपाली जैन एवं थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति ने प्रेस वार्ता कर इस बड़ी सफलता की जानकारी दी। एसपी चौहान ने बताया कि बीते दिनों कालापीपल थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति को वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा शातिर बदमाश राहुल मीणा एवं भाजयुमो नेता महेंद्र खत्री निवासी कालापीपल द्वारा अवैध हथियार बेचने की जानकारी मिली। मुखबिर की सूचना के आधार पर बताए स्थान पर पुलिस ने दबिश दी तो आरोपी भागने की कोशिश करने लगे। जब घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ कर तलाशी ली गई तो आरोपी राहुल मीना के पास एक देसी पिस्टल व एक जिंदा राउंड बरामद किया गया। अन्य आरोपी भाजयुमो नेता महेंद्र खत्री पिता चुन्नीलाल निवासी कालापीपल के पास देसी कट्टा, 315 बोर्ड, 2 जिंदा राउंड और 1 गुप्ती बरामद हुए। दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपने घरों में हथियारों को रखने के बारे में बताया। इसमें अभी हम लोगों को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें कुछ लोगों के नाम आए थे सामने कि जिनका अवैध हथियार के खरीदने बेचने में नाम संलिप्त आ रही थी। तो चुनाव के चलते हम लोग सभी जगह पर प्रॉपर चेकिंग कर रहे थे, तो इसी चेकिंग के समय हम लोगों ने जो 2 हमारे अपराधी हैं राहुल मीना और महेंद्र खत्री, तो इनको आलनिया जोड़ के पास जो है वो पुलिस ने बाकायदा फोर्स के साथ इनको घेरा और इनको जब पकड़ा तो इनके पास से हम लोगों को 2 हथियार मिले। और इनके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपने घर पे बताया हथियारों का, और इनके घर पे जब तलाशी ली गई तो दोनों के घरों से भी हथियार हमें प्राप्त हुए हैं। इसके साथ हथियार के साथ साथ इसमें हमें 1 रिवॉल्वर, 1 देसी पिस्तौल, 2 देसी कट्टे और 1 गुप्ती ये हमें प्राप्त हुई, और साथ में इनके कुछ राउंड्स भी हमें मिले हैं। इनके साथ साथ इनसे जब और पूछताछ की गई तो इन्होंने अपने एक साथी का नाम भी बताया है, हुकम सिंह करके, जो अभी फरार है। इसके घर पर दबिश दी गई किंतु मिला नहीं है। उसको शीघ्र ही पुलिस जो है गिरफ्तार करेगी और संभवतः हो सकता है कि उसके यहाँ तलाशी ली जाने पर उसके यहाँ से भी हमें हथियार मिल जाए। शुजालपुर से गोविंद सिंह जोनवाल की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।